जय श्याम दोस्तों। तो इस टाइम पे हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। इस टाइम पे अराउंड 2:15 के आसपास का टाइम होगा, क्योंकि आज हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग शाम को निकलेंगे, मतलब दिन में निकलेंगे, ताकि हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। इस वजह से मतलब हम रात तक पहुंचेंगे। तो साथ में बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चों को भी छोड़ना दीदी के यहाँ पे। दृष्टि भी जा रही है, दृष्टि को बहुत टाइम लगा मनाने में, वो भी बच्चों ने बहुत मनाया, दीदी चलो एक दो दिन के लिए हमारे यहाँ भी चलो। तो दृष्टि फाइनली मान गई है। फिर बच्चे भी जा रहे थे बुआ के यहाँ पर रह के आएगी दृष्टि एक दो दिन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे जौराशी के मंदिर, क्योंकि हमें निकलते हैं, हम लोग सबसे जाते टाइम हम लोग हमेशा मंदिर में ढोक लगा कर ही जाते हैं, ताकि भगवान जी का आशीर्वाद लेकर ही जाएं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर, अब यहाँ पर दर्शन करेंगे। और बच्चों से मैंने पूछा था, और इस टाइम पे देख सकते हो दोपहर का टाइम है, और इस टाइम पे वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया था, एकदम बादल जैसा वेदर हो गया था, कि बारिश होने वाली है उस तरीके का वेदर हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर था। तो मैंने बच्चों से पूछा था कि बच्चे तुम लोग भी मंदिर चलोगे? तो बच्चे बोलते हैं हाँ मामी चलना है हमें, ऊपर लक्ष्मी माता का मंदिर हम लोगों ने नहीं देखा है, हमें वो भी देखना है। तो सब ने यहाँ पे पैर वगैरह अपने अच्छे से वॉश कर लिए पानी से, उसके बाद सबसे पहले जाएंगे हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, बजरंग बाबा के दर्शन करने के लिए। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, यहाँ से एंट्री होगी। पहले दूसरी साइड से एंट्री थी, फ्रंट साइड से थी, अभी यहाँ से एंट्री होगी, ताकि दोनों मंदिरों को आप एक साथ दर्शन कर सको। तो ये है एंट्रेंस यहाँ पे, और सामने ही भगवान जी का मंदिर है। ये देख सकते हो सामने हनुमान जी की मूर्ति प्रतिमा है, मूर्ति है। तो यहाँ पर पहले पंचमेवा का प्रसाद चढ़ने लग गया है सभी मंदिरों पे। पहले यहाँ पर कलाकंद का लड्डू का ही प्रसाद चढ़ता था हनुमान जी को, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हुआ करता था। हनुमान जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। तो ये देख सकते हो सीढ़ियाँ, काफ़ी सारी इसमें सीढ़ियाँ हैं, जो कि पिछली बार जब हम आए थे तो दिन में आए थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी, हालत ख़राब हो गई थी इनको चढ़ने उतरने में। तो अभी मौसम ठंडा है, इतनी गर्म नहीं है, मौसम अचानक से ही ठंडा हुआ है, पहले ठंडा नहीं था। अभी 15-20 मिनट या पौना घंटा हुआ होगा, बादल जैसे आ गए हैं, इस वजह से ठंडा हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वजह से। तो मंदिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा, ऊपर का इंटीरियर आप देखिए, मैं प्रॉपर तरीके से तो नहीं ले पाई हूँ, बट ऊपर का कभी मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी तो दिखाऊँगी। बहुत ज़्यादा अच्छा इंटीरियर बना हुआ है, शीशे से बना हुआ है, बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ये है महालक्ष्मी माता का मंदिर। स्टार्टिंग में गणेश जी और सरस्वती का मंदिर मिलता है छोटा सा, और यहाँ पे पूरे महालक्ष्मी की प्रतिमा बड़ी वाली है, और साथ में 9 देवियाँ बनी हुई हैं। तो ये है यहाँ पर मंदिर का व्यू बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए, घर जाने के लिए। तो बच्चों को भी हम लोग रास्ते में छोड़ दिया था दीदी के यहाँ पर, तो बच्चे दोनों बच्चों को छोड़ दिया, और साथ में दृष्टि को भी छोड़ दिया, उनके दादा आ गए थे उनको लेने के लिए। ये देखिए शानवी की मस्ती, एक चश्मा खुद ने लगा लिया, और एक चश्मा उसने अपने पापा को दिया कि पापा आप भी चश्मा लगाओ। तो ये चश्मा उसकी बुआ ने दिया था, जो शानवी लगा रही है वो उसको उसकी बुआ ने चश्मा दिया था, जो कि नमन का छोटे का रखा हुआ था। शानवी खेल रही थी तो बुआ ने बोला बेटा तुम ले जाओ इसको, तुम्हें खेलना है इससे। तो शानवी ने एक चश्मा खुद लगा लिया और एक चश्मा अपने पापा को दे दिया। ऐसे इसने बहुत परेशान किया आज अपने पापा को, बार बार वो हस्बैंड चश्मा निकाल लेते, नहीं पापा आप ही लगाओ। तो हस्बैंड ने भी काफ़ी टाइम पर लगा के रख लिया, फाइनली फिर मुझे एक चश्मा को छुपा करके रखना पड़ा, क्योंकि वरना शानवी फिर से हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे कि पापा आप लगाओ आप लगाओ। और जब आते टाइम हम लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक मिला था, वो ट्रैफिक हमें अभी भी मिला, बट होपफुली कि हम लोग जो टूटा हुआ रोड था वहाँ से निकल गए, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं, 1.25 घंटा ही हमें ट्रैफिक में करना पड़ा, क्योंकि अगर इस मेन रोड से अगर लाइन से जाते तो हमें पता नहीं कितना टाइम लगा, 2-3 घंटे से ज़्यादा लग जाता। ये साइड में यहाँ पर टूटा हुआ पड़ा, तो यहीं से निकले हुए थे सारी, ज़्यादातर गाड़ियाँ निकल रही थी तो यहीं से निकल गए थे। फाइनली वहाँ से निकल चुके हैं, और ये देखिए रास्ते में आंधी, मैं बोल रही थी ना मौसम थोड़ा वैसा हो रखा था, बारिश के जैसा, बारिश तो आई नहीं बट आंधी बहुत ज़्यादा तेज़ वाली आई थी, पूरा ऐसा हो गया था जैसे सर्दियों में कोहरा नहीं होता उस टाइप का वेदर हो रखा था। तो ये मतलब गाड़ी के अंदर है, इस वजह से इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है, अदरवाइज बाहर बहुत ज़्यादा आंधी हो रखी थी, धूल धूल हो रखी थी सारी की सारी। आगे देख सकते हो ऐसा लग रहा है जैसे फॉग इकट्ठा हो रखा हो, आगे का व्यू आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, 2 ट्रक के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है उधर का व्यू आपको। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा आंधी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली हवाएं चल रही थी, बहुत सारी धूल थी। गाड़ी के अंदर से ही वीडियो ली है, इस वजह से इतनी क्लियर नहीं है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आंधी थी।
उसके आसपास 8:30 या 9 के आसपास का टाइम था जब हम लोग पहुँच गए थे कोशीकला, जहाँ ढाबा पर हम लोग रुके थे वहीं रुक गए। और बच्चों ने जैसे ही देखा यहाँ पर खेलने का स्पेस है, शानवी की उंगली पहले हो गई है, भव्या ऑलरेडी जा चुकी है, पहुँच चुकी है गाड़ी से उतरते ही, देख सकते हो वो देख के भी आ गई है भव्या। और ये देखिए शानवी मैडम पापा की गोदी से उतर गई है, पापा अब आप मेरे को उतार दो, अब आगे मैं खुद अपने आप चल के चली जाऊँगी। तो उसका मन डाइवर्ट हो रहा है कहाँ पर जाना। ये मिक्की वाला इस टाइम फर्स्ट टाइम ही लगा है जो कि चार्जेबल था, 100 रुपीज़ बता रहा था, अराउंड 20 मिनट के। तो यहाँ पर चले गई हैं दोनों बहनें और आज फाइनली शानवी ने पहली बार मतलब विदाउट सपोर्ट के अकेले झूला झूला है। ये दोनों बहनों ने आज इतनी ज़्यादा मस्ती की है, इन लोगों का ना तो मन कर रहा था कि हम लोग खाना खाने जाएं और ना ही यहाँ से जाने का मन कर रहा था, इनका मन कर रहा था कि हम लोग यहीं पर रुकते हैं, पूरा रात यहीं पर आराम से खेलेंगे। और ये देखिए शानवी मैडम की मस्ती, मतलब ये लड़की पहली बार में ही अपने आप इससे सब भाव्या ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, ये देखिए दूसरी बार में अपने आप चढ़ के पूरा चली गई इसको विदाउट सपोर्ट के किसी के ऊपर चली गई और आराम से इसने इंजॉय किया, इसका मन नहीं कर रहा था और हम लोगों को लेट हो रहा था। अराउंड इन लोगों ने यहाँ पे 1 घंटा टाइम हम लोगों का टाइम पूरा लगाया, इन लोगों ने खेला है खूब सारा, हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया, खाना खाने के बाद फिर से यहाँ पर आ गए और ये लोग फिर से यहीं पर खेल रहे थे। तो यहाँ पर इन लोगों ने की बहुत सारी मस्ती, इसके आगे मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा देर रात हो गई थी, हमें घर पहुँचते पहुँचते अराउंड 1 बज चुका था क्योंकि रास्ते में भी थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। शान भी ऑलमोस्ट हो गई थी गाड़ी में यहाँ से खाना खाने के बाद, भव्या भी सो चुकी थी। ये दोनों बहनों की मस्ती चल रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती की इन लोगों ने। और ये देखिए जो चीज़ें करने में ये डरती थी, अकेले बैठने में डरती थी, लेकिन अभी इस बारे इसने बिल्कुल भी नहीं डरा, इस बारे ये खुद से कर रही थी कि मैं खुद से करूँगी। और यहाँ भव्या भी आ गई है, मैं इनको बोल रही हूँ बेटा घर चलो, लेट हो जाएगा, हम लोगों को घर जाना है, यहीं पर थोड़ी ना रुकना है, लेकिन दोनों में से किसी ने नहीं बात सुना, दोनों को यहीं रुकना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।